हेलो गाइज, वेलकम टू द वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पंजाबी सिंगर करण ओजला के बारे में। करण ओजले की नई एल्बम जो रिसेंटली रिलीज हुई थी मेकिंग मेमोरीज, वो ऑल प्लेटफॉर्म पर सक्सेसफुली रनिंग कर रही है और वो हमें यूके के चार्ट्स, बिलबोर्ड वगैरह पर दिखाई दी है और खासकर एप्पल म्यूजिक चार्ट पर वो ट्रेंड करती हुई दिखाई दे रही है। और इस एल्बम की सक्सेस के बाद करण ओजले ने अनाउंस कर दिया है अपना यूएसए टूर, जो कि यूएसए में 13 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक चलने वाला है। ऑल ओवर यूएसए में इसके शोज किए जाएंगे। और अब बात करते हैं गाइज दिलजीत दोसांझ के बारे में। दिलजीत दोसांझ ने हॉलीवुड के काफी बड़े सिंगर कैमिलो के साथ कोलैबोरेशन सॉन्ग रिलीज किया है। अगर आप इस सॉन्ग को सुनेंगे तो आपको एक अलग सी वाइब मिलेगी। दिलजीत पाजी के लिरिक्स और कैमिलो के लिरिक्स काफी मतलब इंटरेस्टिंग सी जो चीज बनाई है इन्होंने। आपको बता दें कि दिलजीत अपनी बैक टू बैक एल्बम पर काम कर रहे हैं और दिलजीत अब एक एल्बम रिलीज करने जा रहे हैं गोस्ट, जिसमें हमें जो लग रहा था कि काफी सारी कोलैबोरेशन, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन देखने को मिलेगी, मगर दिलजीत ने क्लियर कर दिया था अपनी एक स्टोरी में इस एल्बम में कोई कोलैबोरेशन नहीं होने वाला। फिर फैंस के मन में यह सवाल आता था कि दिलजीत जो अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर करते थे इंटरनेशनल सिंगर्स के साथ जो सॉन्ग रिकॉर्ड्स कर रहे होते थे, तो फिर उसका क्या। तो आपको बता दें कि इस गोस्ट एल्बम के बाद दिलजीत की एक और एल्बम रिलीज होगी जिसमें ऑलमोस्ट सारे ही कोलैबोरेशन सॉन्ग होंगे और वो सारे के सारे ही फॉरेन कंट्रीज के रैपरों या सिंगरों के साथ कोलैबोरेशन वाले होंगे। अपडेट में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी हर एक अपडेट सबसे पहले जानने के लिए।